हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई टेक। आज हम बनाने जा रहे हैं जी मैक ओएस बिग सर की पोर्टेबल यूएसबी, और फिर हम इसे टेस्ट भी करेंगे। लेकिन ये जो पोर्टेबल यूएसबी है अनसपोर्टेड मैक डिवाइसेस और हैकिंटोश डिवाइसेस के लिए है, तो सबसे पहले आपने अपनी यूएसबी को फॉर्मेट कर लेना है। अपनी यूएसबी को कंप्यूटर के साथ अटैच करके, जैसे कि आप ये देखें मैंने यूएसबी को अटैच किया है, और यहाँ पे आपने चला जाना है यूटिलिटीज में और डिस्क यूटिलिटीज में। यहाँ पे आपने अपनी यूएसबी का जो फॉर्मेट रखना है वो ये देखें, यहाँ पे ये मेरी यूएसबी है, तो ये देखें यहाँ पे इरेज पे गए, तो यहाँ पे आप नाम इसको कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैं बिग सर यहाँ पे दे देता हूँ। और ये फॉर्मेट जो है मैक ओएस एक्सटेंडेड जर्नल ही होना चाहिए, और जी यूआईडी पार्टीशन, ये दो चीज़ें ध्यान से आपने करनी है और अरेज कर देनी है, अपनी यूएसबी को अरेज कर देना है। इसके बाद जब आपकी यूएसबी यहाँ पे अरेज हो जाए, तो यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं एक सॉफ्टवेयर का मैक ओएस बिग सर की बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए, अनसपोर्टेड डिवाइसेस के लिए, हैकिंटोश के लिए। ये यूएसबी मेरी फॉर्मेट हो चुकी है, यहाँ पे आप इसको डन कर दें, और डन करने के बाद आपने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये जो है माइक्रो पैचर ऑटोमीटर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है और डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। कंटिन्यू करने के बाद आपने यहाँ पे अपने जो मैक ओएस की का इंस्टॉलर है, जो ऐप आपने पहले से ही डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन फाइल में उसको ड्रॉप एंड ड्रैग कर लेना है। इसको यहाँ से ब्राउज फॉर इंस्टॉलर ऐप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे जैसे मेरे पास मैक ओएस बिग सर को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके ड्रॉप एंड ड्रैग कर रखा है एप्लीकेशन फोल्डर में। ये देखें इंस्टॉल मैक ओएस बिग सर, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओपन कर लिया। और अब आपने यहाँ पे अपनी यूएसबी सेलेक्ट टारगेट वाली यूएसबी को सेलेक्ट करना है, जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने ये देखें ये इसको ये बिग सर यूएसबी जो मैंने अपनी यूएसबी का नाम रखा था, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ओके करने के बाद कंटिन्यू। और ये देखें ये सारी समरी हमारे सामने आ चुकी है। ये सब चेक करने के बाद आपने इसको यहाँ से कंटिन्यू कर देना है और कंटिन्यू, फिर दोबारा से यहाँ से इसको आपने कंटिन्यू कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे ये मेरा जो है ऑटोमीटर विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट इन 1 सेकंड। और यहाँ पे अब आपने अपना पासवर्ड देना है जो आपने अपने मैक मशीन पे या हैकिंटोश मशीन पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो ये यहाँ पे देखें आप ये स्टार्ट हो चुकी है इसकी इंस्टॉलेशन। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ ताकि थोड़ी टाइम की बचत हो जाए। ये जो है मैक्सिमम 30 से 40 मिनट यहाँ पे ये टाइम लेगी, और इसके बाद जाके आपकी पोर्टेबल यूएसबी जो है वो रेडी हो जाएगी। तो ये देखें जी यहाँ पे सक्सेस हो चुकी है मेरी बूटेबल यूएसबी, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है इंस्टॉल मैक ओएस बिग सर। तो अब अगर आपने इसको एप्पल डिवाइसेस पे इंस्टॉल करना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सीधा अपने कंप्यूटर को रीसेट करना है और बूट करना है। अपने कंप्यूटर को रीसेट करने के बाद बूट करना है, तो आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने हैकिंटोश डिवाइसेस में इसको इंस्टॉल करना है, तो इसके लिए आपको इसकी EFI को चेंज करना पड़ेगा अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। तो मेरे पास जो है 5149 EFI, जिसे आप ulrila.com से या GitHub दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं इसको EFI जो है, पहले यहाँ पे माउंट EFI
क्लवर कॉन्फ़िगरेटर को यूज करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे मेरी जो EFI है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, लेकिन ये देखें इसके अंदर सिर्फ एक बूट का ही ऑप्शन है। ये जो है सिर्फ एप्पल डिवाइसेस में ही काम करेगा, हैकिंटोश डिवाइसेस में आपको अपने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक EFI यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो ये देखें यहाँ पे इसको हम अभी रिप्लेस करेंगे अपनी EFI से। तो ये मेरे पास 5149 EFI फोल्डर है, इसको मैं यहाँ से इस EFI के साथ रिप्लेस कर देता हूँ। रिप्लेस करने के बाद आपने इसको क्लोज कर देना है, और क्लोज करने के बाद अब हम कंप्यूटर को रीसेट करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये हमारी जो बूटेबल USB है ये काम कर रही है या कोई एरर दे रही है या नहीं दे रही या सही ये काम कर रही है। तो इसके लिए हमने अपने कंप्यूटर को रीसेट करना है। ये देखें जी रीसेट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास gorilla.com और ये EFI 5149 आ चुकी है, और ये देखें बूट macOS इंस्टॉल फ्रॉम इंस्टॉल macOS बिग सर। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इंटर दबा देना है, और यहाँ पे ये देखें सारी फाइल यहाँ पे रीचेक होंगी। और ये देखें ये एप्पल का लोगो आ चुका है, और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अभी macOS रिकवरी ये विंडो भी आ चुकी है, और कोई किसी किस्म का एरर जो है वो नहीं आया। ये देखते हैं मेरे पास यहाँ पे कोई एरर आता है या नहीं। तो अगर आपने इंस्टॉल करना है तो डिस यूटिलिटी पे जाएंगे और अपने जो है डिस जिस पे आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं उसको मुकम्मल अरेज कर रहे हैं। तो मैं तो अभी टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं अरेज नहीं करूँगा अभी इसको। मेरे पास जो है यहाँ पे देखें शो हार्ड डिवाइसेस पे जाएं तो मेरे पास ये दो हार्ड डिस्क यहाँ पे इंस्टॉल है, एक पे मेरे पास macOS Catalina और एक पे विंडो इंस्टॉल। तो हम बैक जाते हैं और ये इंस्टॉल macOS बिग सर पे क्लिक करके हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से एग्री और एग्री। ये देखें macOS बिग सर विल इंस्टॉल ऑन दिस डिस्क macOS HD, और यहाँ पे किसी किस्म का कोई एरर नहीं आ रहा। तो इस तरीके से आप अनसपोर्टेड मैक डिवाइसेस या अनसपोर्टेड हैकिंटोश डिवाइसेस के लिए माइक्रो पैचर ऑटोमेटर के जरिए बूटेबल USB बना सकते हैं और macOS बिग सर को अनसपोर्टेड एप्पल डिवाइसेस या हैकिंटोश डिवाइसेस में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।